हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी तार फाइल में से मल्टीपल फाइल्स एक साथ कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है स्लैश माय सॉल्यूशंस स्लैश UI। तो सबसे पहले इस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट करते हैं। तो इसके अंदर एक तार फाइल क्रिएटेड है my.tar। तो सबसे पहले इस तार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट करते हैं। तो ये इस तार फाइल का कंटेंट है। अब इस तार फाइल में से मैं file1.txt और file2.txt इन दोनों फाइल्स को एक साथ एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो इसके लिए कमांड होगा tar-xvf और उसके बाद में उस तार फाइल का आपको नाम लिखना है और उसके बाद में उन फाइल्स के नेम आपको लिखने हैं जो फाइल्स आप उस तार फाइल में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो देख लीजिए, जैसे आप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देगा। और एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई सिंगल फाइल या मल्टीपल फाइल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी तार फाइल में से, तब आपको यहाँ पे ये पाथ मेंशन करना कंपलसरी है। यानी यहाँ पे जो पाथ आप डिस्प्ले हो रहा है वही पाथ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा उन फाइल्स का। अगर आप ये पाथ मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फाइल का नेम लिखेंगे, तो ये एरर शो करेगा। उसके बाद बात करते हैं कि इस तार फाइल में से जितनी भी टेक्स्ट फाइल हैं इस तार फाइल में, तो उन सभी टेक्स्ट फाइल को एक साथ कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड यूज करना पड़ेगा तार कमांड के साथ में। तो चलिए, उसके लिए कमांड यूज होगा xvf tar-xvf। उसके बाद उस तार फाइल का नेम आपको लिखना है और उसके बाद में --wildcards और उसके बाद वो वाइल्ड कार्ड आपको यूज करना है, जो वाइल्ड कार्ड आपको लिखना है जो टेक्स्ट फाइल को एक्सट्रैक्ट करें। तो इसके लिए वाइल्ड कार्ड होगा tar.txt। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड उस तार फाइल में से तार फाइल में जितनी भी टेक्स्ट फाइल होगी उन सभी टेक्स्ट फाइल को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो एंटर की प्रेस करके देखें तो देख लीजिए जितनी भी टेक्स्ट फाइल थी इस तार फाइल में, वो सभी टेक्स्ट फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। उसी तरह अगर आपको जितनी PHP की फाइल्स हैं इस स्टार फाइल में, वो सभी PHP की फाइल्स अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा PHP star.php वाइल कर आपको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कमांड उस स्टार फाइल में जितनी भी PHP की फाइल्स होगी ये उन सभी PHP की फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि मल्टीपल फाइल्स कैसे एक साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं और ग्रुप ऑफ फाइल्स कैसे एक साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।